देखिए, ईद जो है अल्लाह की तरफ से जो रोज़दार होते हैं पूरे रोज़े रखते हैं एक इनाम के तौर पर है, तो हमें बहुत खुशी का दिन होता है। आदमी ईद की खुशी अल्लाह की तरफ से मिलती है रोज़दार को, एक नेमत है। ईद को अच्छी तरह हमें मनाना चाहिए, मोहब्बत के साथ इसको मनाना चाहिए। लेकिन आज का जैसा माहौल चल रहा है, कोविड-19 का ये जो कोरोना जैसा मूजी मर्स चल रहा है, इसकी भी जो गाइडलाइन आई है उसका भी हमें एहतियात रखना चाहिए, उसकी सही से उसका पालन करना चाहिए। और आपके चैनल के ज़रिए से मैं तमाम हिंदुस्तानियों को, पूरे दुनिया को ईद की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी तरफ से, फैज़ान नियादिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, कि लोग आप अच्छी तरह ईद मनाएं और जो कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए करें। अगर गले का नहीं मिलने का है तो उसको भी एहतियात रखें, सिर्फ आप मुँह से मुबारकबाद दे दें एक दूसरे को, खुशियाँ करें। देखिए, इंसान की ज़िंदगी सबसे अहम है, सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान की ज़िंदगी है, तो थोड़ा एहतियात रखें। ये ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि हमारे मज़हब में रसूल की हदीस भी है कि ज़िंदगी सबसे अहम है और एहतियात रखने का भी हुक्म है। तो अगर गला मिलने का, ज़रूरी नहीं है कि आप गले मिले ही तभी ईद है, गले मिलने की ज़रूरत नहीं है। या हाथ मिला या मुजाफा या मुआनका जैसे कहते हैं कि भाई ईद के बाद गले मिलते हैं, लेकिन ऐसी बीमारी ऐसा माहौल चल रहा है उसमें सिर्फ आप ज़बान से मुबारकबाद एक दूसरे को कह सकते हैं मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए। और इसको यूं के सबसे बड़े, हम जिंदा रहेंगे तो सब ईद है, रमज़ान है। जब इंसान बीमारी से इस वक्त चल रहा है, था अल्लाह करे, दुआ है मेरी कि इस रमज़ान में तमाम रोज़दार आज ये मिल के दुआ करें ईद के मौके पे, ईद की नमाज के बाद, कि ये मूजी मर्द हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए और हमारे यहाँ खुशहाली आए, तमाम मुल्क में अच्छी तरह लोग अपने त्यौहार मनाएं। बस यही मैसेज है।